कैसे हो सभी लोग। मैं विस्मय, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल जगलूर डांगरे से। आज मैं मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। एक्चुअली गाइस, ये एक सारी हमारा इंसानियत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक के बारे में है, और एक भूमि का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक घटना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आज इस पार्ट एक जानपद कविता है, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। पार्ट 13, चुंबक है धरती हमारी। एक युवक था बुद्धिमान, आइज़ैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठ बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। क्या हुआ था कि आइज़ैक न्यूटन बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे अपने दादी के घर में बैठ के, क्योंकि वो अपने दादी के घर में ही रहते थे। उनके घर के आगे एक बगीचा था जिसमें एक सेब का पेड़ था, जिसके नीचे आइज़ैक न्यूटन बैठे हुए थे। तब क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए थे, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, इसके सोच में डूबे हुए थे। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। क्या हुआ, उनके बाजू में एक जो उनके पीछे जो बड़ा सा सेब का पेड़ था, उससे एक सेब लटकते 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 नीचे गिर गई। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ नीचे ही क्यों गिरा, वो दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने सेब को अपने हाथ में ऐसे पकड़कर एक बार पेड़ को देखा, ये पेड़ इसे नीचे ही क्यों गिरा है करके, और उसने ऊपर देखी, नीचे देखी, कहीं और सेब लटक रहे कि नहीं लटक रहे, ये देख रहे थे वो। फिर उसने एक और बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, पेड़ अपने आप तो एक और बार सेब गिराती नहीं है, इसलिए उन्होंने उसी सेब को उठाकर फिर से ऊपर फेंक दिया। क्या हुआ कि क्या हुआ पता है, सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया। उसने जो अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी थी उसे ही फिर से दिखाया, वो सीधा ऊपर गई उसकी फोर्स से और फिर से आके नीचे गिर गई। उनको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि बार बार ये नीचे ही क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन पे आए, खोजबीन कर यहाँ समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींच वस्तुओं अपनी और सारी, जिसका मतलब होता है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खोजबीन, मतलब आप सबको बताया वैज्ञानिक बहुत ही रिटर्न ट्रायल मेथड्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमारा लगती एक चुंबक है जिसके साइड जो भी फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आकर उसके साइड अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो नाम न्यूटन का। इस बहुत ही कमाल के आविष्कार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि जिस पे हम रह रहे हैं, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, वो एक चुंबक है। इसलिए हम अभी तक भी न्यूटन का नाम याद रखते आ रहे हो, और आगे की जनता भी याद रखती होगी। और मैं एक और फैक्ट आपको कहना चाहता हूँ, जो सेब के पेड़ से सेब गिरा था, जो सेब का पेड़ ग्रेविटेशनल फोर्स को दस्ताती है, वो अभी तक उसी इलाके में सेफ है। उसके थ्रू एक फेंस है जो कि उनके दादी के घर के आगे, वो पेड़ अभी तक जिंदा है, और अभी तक सेब्स भी उसके ऊपर उगते आ रहे हैं। इतना तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल।